शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिथिराज, मिथिराज, आपको मारने के लिए जिसने अजगर भेजा था वो कोई और नहीं बल्कि आपकी माँ। नहीं, कोई और क्या मारेगा, हमें तो तुमने जीते जी मार। ये आप क्या कह रहे हो अधिराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ समझ कर भी ना समझ बनने का अभिनय बहुत अच्छे से कर लेती हो तुम, कहीं हमसे भी प्यार करने का अभिनय तो नहीं करती। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अधिराज, बताओ मुझे क्या हुआ। विश्वासघात हुआ है हमारे साथ, इतने भोले से चेहरे के पीछे बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा धोखा छिपा है, और हम तुम्हारे हर झूठ को सच मानते रहे। आप सब गलत समझ रहे हैं अधिराज। समझ रहा था पर अब नहीं। अगर तुमने हम पर सामने से वार करके घाव दिया होता ना तो हम सहन कर लेते, पर तुमने हमारी भावनाओं से खेला, हमारे हृदय को छलनी किया। अधिराज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और उस असहनीय दर्द का क्या जो तुमने हमें दिया है, हमारी माँ को हमसे छीन कर क्यों मारा, हमारी माँ को सुनेला। बताओ मैं क्यों मारा। तीर सीधे निशाने पे लगा। सुनैना को आसान मौत नहीं देना चाहते थे हम, इसलिए उसे जीवित रखा। अब अधिराज की नफरत को सहना सुनैना के लिए मौत से ज्यादा बदतर हो जाएगा। मान गए मां आपकी बुद्धि और शक्ति दोनों को, कैसे एक ही झटके में आपने दोनों को शिकार बना लिया। अब ना सिर्फ सुनैना को मासी की मृत्यु की सजा मिलेगी बल्कि अधिराज भी सुनैना के इस विश्वासघात से टूटकर बिखर जाएगा। ये प्रेम होती ही ऐसी चीज है बेटा, प्रेम ही सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, विश्वासघात नहीं। और फिर अधिराज की तो जान बसती थी चंद्रलेखा में, अब सुनैना अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए चाहे कुछ भी कर ले अधिराज मानेगा नहीं। अधिराज सुनो ना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। क्या सुने तुम्हारी बात, क्या सुने, यह मारा था, यही मारा था ना। अधिराज को ये सब किसने बताया होगा। हम अपनी माँ को पागलों की तरह ढूंढते रहे। और उनका हत्यारा हमारे साथी को मिला। क्यों मारा तुमने हमारी माँ को। अधिराज, मेरा विश्वास करो, मैंने आपकी माँ की हत्या नहीं की, वो तो एकदम। और कितना झूठ बोलोगे तुम सुनैना। पर अधिराज इतनी आसानी से मान कैसे गया माँ कि सुनैना ने ही मासी को मारा है। क्योंकि सुनैना के खिलाफ किसी ने गवाही दी है। कौन वो जिसे सुनैना अपना समझती थी, फिर बेचारी भूल गई कि सबसे ज्यादा धोखा तो अपने ही देते हैं। जानते हो स्वराज, उसका वो हमराज वास्तव में हमारा सेवक है। सैनिकों, सैनिकों, बताओ क्या देखा था तुमने। रानी साहब ने महारानी की हत्या की और उनके शव को जला दिया।
फिर उनकी राख को तालाब में ले जाकर विसर्जित कर दिया। और तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? क्योंकि रानी साहब ने मुझे धमकी दी थी कि ये बात अगर बाहर आएगी तो ये मुझे भी जान से मार देंगी। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि इसने हमारी बहन को मारा है। ये सिर्फ आधा सच है, पूरा सच ये है वो आप जिसे अपनी मां समझते थे वो एक डाकिनी थी। और ये मंत्र लेखा जिसे आप अपनी मां से समझते हैं वो भी एक डाकिनी है। अधिराज, इसी ने आपको मारने के लिए अजगर भेजा था। दूसरों को दोषी ठहराकर अपने आप को निर्दोष नहीं साबित किया जा सकता। और अगर हमारी बहन डाकिनी थी तो तुमने ये बात अधिराज को पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए मना किया गया था। मुझे अधिराज से मिलना है ताकि मैं उन्हें सारा सच बता सकूं। राजा साहब को आप बाद में बता दीजिएगा, बोलो सुने ना। हमें तो लगता है वो लोग ढोंगी होंगे, सुनैना के भोलेपन का लाभ उठाकर डाकिनी की झूठी कहानी कर दी होगी, है ना सुनैना? राजा साहब सच तो अब समझ में आया, आप दोनों ने मुझे अधिराज को सच बताने से क्यों मना किया। अधिराज, ये सब इनकी चाल है। अपनी ये मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कर दो। एक सच को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगे तुम सुनैना? पहले तुमने हमारी माँ को डाकने का और अब मासी को। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अधिराज, मानती हूँ मैंने हत्या की है और वो एक डाकिनी थी। मैंने आपकी माँ की हत्या नहीं की है। और ये भी एक डाकिनी है। ये सब मैं साबित कर सकती हूँ अधिराज।